नमस्कार, मैं कार्तिक नाइक हूँ और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। खबरों की खबर में आज बात मंगलवार रात को आए भूकंप की। दोस्तों, दिल्ली, NCR, हरियाणा, राजस्थान समेत करीब करीब पूरे उत्तर भारत में मंगलवार रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इमारतों के हिलने से दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए थे। झटके करीब एक मिनट तक लोगों ने महसूस किए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर 6.6 की तीव्रता वाला भूकंप अफगानिस्तान के फैजाबाद में आया था। भूकंप का केंद्र 156 किमी के गहराई में था। एक महीने में ये तीसरी बार है जब राजधानी और NCR में भूकंप आया हो। अनेक जगहों पर भूकंप के डराने वाले झटके तब महसूस किए गए थे जब ज़्यादातर लोग रात के खाने के बाद सोने की तैयारी में थे। झटके के बाद लोगों में बेचैनी बढ़ गई। बहुत सारे लोग सड़कों और पार्कों की तरफ भागने लगे। भारत में भूकंप का सबसे ज़्यादा असर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा सहित दिल्ली NCR में ही है। वहीं बात अगर पाकिस्तान की करें तो वहां भूकंप से 2 लोगों की मौत और 6 लोगों के घायल होने की खबरें देर रात तक सामने आई थीं। हम आपको ये भी बता दें कि इस बार केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद में था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में भी तेजी से झटके महसूस किए गए थे। इससे पहले सोमवार को हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए थे। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।